शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शादी हो रही है, मैं अपने गहने दोबारा पहनने को मिलेंगे, वरना अपने गहने पहनने के लिए दिवाली तक इंतजार करना पड़ता है। नसीब ये बड़ी को देती हूँ, ये मंजली को। ये लो भाई, आपने अपने गहने संभाल लो। ये तुम्हारा बड़ी, मंजली है तुम्हारा। और गहनों को संभाल के रखना, मेहमानों वाला घर है, कहीं खो ना जाए। अब तैयार होकर आ जाओ, घंटों बस रहती रहना, सचती रहना, संभाल के रखना। जैसे हमारी चीज तो है नहीं, हमें तो फिक्र है नहीं। बाप रे, अरे बाबू, ये कोई बारात है? बारातों का मजा देखना तो हमारे यहाँ की देखो, ऐसी धूमधाम होती है कि पूछो ही मत। ये कोई बारात है? सुना रस्तोगी, बहुत नचा दिया इस साले ने, अब तो इसकी बीन बजानी ही पड़ेगी। बस इतनी सी बात है? अरे फिकर ना अंकल, मेरे पे छोड़ दो ना। मामा को नचाने का अपना काम, टिंगी से शाबाश। मामे आ रहा हूँ मैं। मामा अब तुझे नचाता हूँ मैं टिंगी का नाच। आपके लिए लाया हूँ कोल्ड ड्रिंक खास वाला। क्या लीजिए? अरे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक एकदम ठंडा। मेरे लिए? हाँ, नाच नाच के थक गए, पी लीजिए। दूल्हे का मामा हूँ। एक घूट में घटक, एक घूट में। हाँ, स्पेशल स्पेशल। ये लो। अंबर बेटा। हाँ। अरे अंबर, जल्दी से तैयार हो जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये। अरे मैं करता हूँ। देखो तो, मेरा बेटा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने सोचा था। अब चले? ऐसे कैसे चले? ये रहा तेरा सहरा। चूंटी काट। हाँ। अबे अपने आप को नहीं, मुझे काट। आपको? अब आराम से। लेकिन क्यों कटवाई चूंटी? देवयानी पैसे लुटा रही है, देख के भी मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ। अरे उस्ताद, आपको बता दे क्या पिला दिया था यहाँ? वो मतलब क्या है ना, आम जनता के लिए काका कोला, आपके लिए मामा कोला, खास लोगों के लिए खास ड्रिंक। हाँ। मगर मगर इसको पी के क्या हो रहा है यार? वो मामा वो है ना, आप लड़के के मामा है ना, खुशी के मारे झूम रहे हैं। झूम लड़के के मामा? हाँ फिर, अरे खुशी में तो मतलब झूमता है ना आदमी। वाह।
अरे अनिल बेटा जाके नियति को देख तैयार हुई कि नहीं। मम्मी मेरे तकिए पे सुंदर सुंदर फूल काट दो ना और स्वीट ड्रीम्स भी। हाँ बदले अपने रंग रूप को नियति दीप शिखा से घनी रात से नए शहर तक। ये घर इस घर की एक एक चीज मुझे जन्म से जानती है पहचानती है। इतना पुराना रिश्ता एक दिन में टूट जाएगा। अरे बारात आ गई चलो चलो अरे आगे बारात बारात आ गई आगे बारात। अजय जी वेलकम जी वेलकम वेलकम वेलकम। सब लोग यहाँ पर हैं। मेरे भैया नहीं दिख रहे, आपने देखा उन्हें? साले साहब अभी यहीं तो भटक रहे थे। भटक रहे थे? कुछ भी बोलते आप। देखती हूँ। चलो भाभी। अब डालिए भाभी वरमाला डालिए डालिए। नियति हम इनको वो राज की बात बता दे। कौन सी राज? नीचे उतर है इधर आइए। Thank you.
ये नियति ने क्या पहन रखा है? ये कौन सी पुरानी फैशन वाली साड़ी पहन रखी है इसने? और पुरानी फैशन ही क्या, पूरी साड़ी ही पुरानी लग रही है। अरे साले साहब का क्या हाल है? आप खुद ही देख लीजिए। क्या हो गया आपको? ये पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या पिया था आपने? मामी नींबू पानी पिला रही है। यहाँ से गिरा ना मत, देखिए कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे इसका टेस्ट वैसा नहीं है, वो अच्छी थी। अरे पर ये नीचे। अरे अंबर का जूता कहाँ रखा? जूता? हाँ। मैंने मंडप में बैठने से पहले उतरवा लिया था। अच्छा किया, उसकी सहेलियां इसी की ताक में होंगी। भारती भाभी। हाँ? पंडित जी घी के लिए पूछ रहे हैं, कहाँ रखा है? वो वही रखा है पूजा के सामान वाली थाली में। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अरे आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आप यहाँ? जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी। जो साड़ी मैंने नीति के लिए भेजी थी वो नीति ने क्यों नहीं पहनी? उसे अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है? हाँ हाँ मुझे पता है, शादी में मायके की दी हुई साड़ी ही पहनी जाती है। जो साड़ी नियति ने पहनी है बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ ज्यादा ही सादी नहीं है और थोड़े पुराने फैशन की भी है। आपको तो मालूम है ना, शादी में लोग अक्सर नुक्ता चीनी करने ही आते हैं, इसीलिए तो मैंने वो साड़ी भेजी थी। वो साड़ी बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैंने ही कहा नियति को कि वो रिसेप्शन के लिए संभाल के रख दे। इसमें नियति की कोई गलती नहीं है, अगर वो साड़ी रिसेप्शन में पहनेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। अरे भारती भाभी, घी नहीं मिल रहा है। मैं जरा अभी आई। छी, विधि संपन्न होगी। कन्यादान के लिए कन्या के पिता को बुलाइए। पंडित जी मैं बुला के आता हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। कन्यादान का समय हो गया।
अब वर वधु का गठबंधन करिए। अब आप फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अब आप कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब आप कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। ये सब आपके लिए। सब खाऊंगा सब खाऊंगा, थोड़ा थोड़ा। हाँ अब थोड़ा क्यों, पूरा लीजिए ना। पूरा हाँ, सब एक साथ ले लीजिए। हाँ, आप एक काम कीजिए ना, वो थैली आप मुझे दे दीजिए, आप आराम से खाइए। हाँ ये बरोबर बोली। मैं लेता हूँ ना। हाँ। ये वो थैली। ये उसका क्या है ना, हमारे इधर मर्द लोग अपना बोझा औरत लोग पे नहीं डालते हैं। मैं संभाल लूंगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, मजा आ गया। अब क्या करेंगे? जूते तो हम जरूर चुराएंगे। अब ना हमें सिमरन का सहारा लेना होगा। खिला के रसगुल्लू, मेरे को बनाएंगे उल्लू। अरे कहाँ कोयल कुकी, मर गए। अरे जमुनिया, क्या हुआ? कोई तो बचाओ। अरे जूता हटाओ, जूता। मेरा जूता। अरे बाप रे, क्यों रस्तोगी, क्या हुआ? अरे जूता जूता जूता। अब देखते हैं। अब जूते के बदले में आप पैसे दे रहे हैं? अरे बेटा अब दे देना पैसे जितने मांग रहे हैं जूतों के लिए। दे 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 दे। बिल्कुल नहीं, एक पैसा नहीं दिया जाएगा। अरे भैया ऐसे कैसे पैसे दे देंगे, पहले थोड़ा टोल मोल तो कर लें। तो क्या चाहिए आपको मेरे जूतों के बदले? पूरे 5,000। अरे अंबर, सालियों से जिंदगी भर की दुश्मनी लेने से बेहतर है कि उन्हें 5,000 दे दे। अरे देना 5,000। अरे 5,000। ओके ओके ओके। जूते जूते। चलो बेटा, अब तुम अपने माँ बाप के पास जाओ। एक बेटी को विदा करते वक्त
दूसरी बेटी का उनके पास होना बहुत जरूरी है।